वेल दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग दी है जहां पर ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, रेडमी, मोटोरोला ये सभी वहां पर शामिल हैं। लेकिन दोस्तों मोटोरोला ये क्या कर रहा है, हर महीने के अंदर दो तीन स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है, अपनी एक नई सीरीज को मार्केट के अंदर हमेशा उतारता रहता है। इसके दोस्तों काफी फायदे हैं और फायदे हम समझ सकते हैं रियलमी से। रियलमी ने अपनी 9 सीरीज के अंदर न जाने कितने स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। दोस्तों यहां पर मोटोरोला ये क्या करता है, अपने नए स्मार्टफोन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है। और यहां पर दोस्तों नया स्मार्टफोन हमारे सामने आ रहा है 3 तारीख को, और ये फ्लिपकार्ट पर दोस्तों लिस्ट हो चुका है मोटोरोला का नया स्मार्टफोन G72। ये स्मार्टफोन दोस्तों बहुत ही तगड़ी स्पेक्स के साथ में, जहां पर P-OLED 120 हर्ट्ज के साथ में 10 बिट कलर पैनल, एक बढ़िया प्रोसेसर, बढ़िया कैमरा, बढ़िया सेगमेंट के अंदर मोटोरोला ने नया स्मार्टफोन लिस्ट कर दिया है G72। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे इसी के बारे में, सारी जानकारी एकदम A to Z सारी जानकारी मेरे पास में आ चुकी है। तो चलिए शेयर करते हैं कि यहाँ पर आपको मोटोरोला क्या कुछ नया यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन गॉल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए सबसे पहले फोन की बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील डिजाइन दोस्तों कैसी होगी। मोटोरोला ने यहाँ पर डिजाइन में थोड़ा चेंज कर दिया। पहले क्या करता था, रिपीट पता लगता था यार कौन सा स्मार्टफोन कैसा है, लेकिन यहाँ पर डिजाइन के अंदर जरा सा चेंज कर दिया है। फोन दोस्तों यहाँ पर काफी हल्का अराउंड 175 ग्राम का होने वाला है, लेकिन पीछे आपको यहाँ पर मिलेगा प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ना सब कुछ दिया गया है, जैसे कि 3.5mm जैक मिल जाएगा, SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस मिल जाएगा। यहां पर सब कुछ दे दिया भाई। इनफैक्ट आपके स्मार्टफोन को पानी से बचाने के लिए IP52 की रेटिंग भी आपको यहां पर दी गई है। यानी कि दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के अंदर, पोर्ट्स एंड बटन के अंदर, स्पीकर्स के अंदर आपको ना कोई भी तरह की कंजूसी यहां पर नहीं मिलेगी। मोटोरोला ने अपने नए स्मार्टफोन G72 के अंदर बहुत ही तगड़ा काम किया है बिल्ड के अंदर। एक बार ध्यान रखिए दोस्तों, ये स्मार्टफोन की स्पेक्स मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको मेरा एक काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो खैर आप कर ही दोगे, लेकिन आपको मुझे बताना है कि इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट कितनी होनी चाहिए फीचर्स के हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं अगले फीचर की। यहां पर दोस्तों आता है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर मोटो ने ना बहुत ही तगड़ा काम किया और हमेशा करता है भाई। यहां पर आपको मिल जाएगी 6.5 इंच की फुल HD+ P-OLED डिस्प्ले, प्लास्टिक OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में 576 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट, जो कि दोस्तों आपका ना डेली लाइफ के अंदर, गेमिंग के अंदर आपका एक बहुत ही तगड़ा काम करवाएगा। ये डिस्प्ले दोस्तों एकदम ना छोटे छोटे बेजल्स को कंटेन करती है। 88% से ऊपर आपको यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाएगा। 10 बिट कलर पैनल, यानी कि 1 बिलियन कलर यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकते हैं दोस्तों। पंची कलर्स मीडिया एक्सपीरियंस के अंदर आपका बहुत ही तगड़ा काम करवा देगा। DCI-P3 का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, HDR10+ मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले के अंदर मोटोरोला ने हमेशा की तरह P-OLED के साथ में रिफ्रेश रेट की बात करते हैं, टच सैम्पलिंग रेट की बात करते हैं, ब्राइटनेस की, HDR की, हर एक फैक्टर के अंदर अगर आपको करना है भाई कंटेंट वॉचिंग, गेमिंग, मेनली यहाँ पर बात करूंगा मैं पंची कलर्स की, आपको एक बढ़िया क्वालिटी निकाल के दे देगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, इतना सब कुछ देने के बाद भी इस स्मार्टफोन की प्राइस कितनी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये स्मार्टफोन कंटेन करता है MediaTek Helio G99 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेसर। एक वेरिएंट आएगा यहाँ पर 6GB 128GB का, 4X RAM, UMCP की स्टोरेज जो कि UFS 2.1 और 2.2 के बीच के अंदर ना स्टैंड करती है। 3,70,000 से ऊपर आपको Antutu बेंचमार्क मिल जाएगा। Android 12 आएगा, कोई तरह का प्री इंस्टॉल ऐप नहीं है, कोई तरह का ब्लॉटर नहीं है दोस्तों, एकदम नीट एंड क्लीन स्टॉक Android आपको यहां पर मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन दोस्तों ना एकदम नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी को कंटेन करता है, थिंक शील्ड सिक्योरिटी, जो कि एक हार्डवेयर बेस होती है जो कि आपका एक बढ़िया काम करवा देगी सिक्योरिटी के अंदर। आपका जो डेटा है ना दोस्तों वो काफी हद तक यहाँ पर सेफ रहेगा। ये स्मार्टफोन दोस्तों कैरियर एग्रीगेशन को भी सपोर्ट करता है, जो कि काफी बेहतर बात है। अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, ये SoC ये दोस्तों यहाँ पर डिजाइन किया गया है गेमिंग के लिए, जहां पर आप ना मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर आप गेमिंग कर सकते हैं, फ्रेम ड्रॉप, लैग, जिटर ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। और अपनी प्राइस के हिसाब से ये दोस्तों स्मार्टफोन आपका एक बढ़िया गेमिंग करवा देगा। लेकिन याद रखिए, प्राइस डिसाइड करनी है आपको कि इसकी प्राइस कितनी हो सकती है, कमेंट करके बताइए दोस्तों, देखते हैं ना कि किसकी प्राइस एकदम सही आती है। रिप्लाई आपको मेरी तरफ से
मिलते रहेंगे फटाफट से, सही है या फिर गलत है, बाकी देखते हैं दोस्तों क्या हो पाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में और Moto G 72 यहां दोस्तों कैमरा के अंदर भी काफी अच्छा काम किया है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का डेप्थ सेंसर, ये तो खैर क्या ही काम आ पाएगा, लेकिन 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहां पर दोस्तों ऑन पेपर अगर हम बात करें ना तो ये सेंसर्स काफी अच्छे हैं। Motorola हमेशा अपने कैमरा के अंदर काफी अच्छा काम करता आया है, लेकिन फिर भी दोस्तों ऑन पेपर ऐसा मिलता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर इनकी क्वालिटी कैसी होगी, है ना, पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी, डिटेल कैसी आएगी, इमेज प्रोसेसिंग कैसी होगी, वो सब कुछ दोस्तों आपको देखने पर ही पता चलेगा। तो याद रखिए 3 तारीख को मिलेगी आपको मेरी साइट से इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग वीडियो, कंप्लीट रिव्यू, कैमरा टेस्टिंग, हर एक चीज के अंदर। तो मेक श्योर सब्सक्राइब विद बेल आइकन ताकि वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बैटरी की बात करते हैं, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 33 वाट का चार्जर जो कि आपको मिलेगा इन द बॉक्स। ये Moto ने काफी अच्छा काम कर दिया भाई, और बाकी ब्रांड्स को सीखना चाहिए कि सिर्फ एनवायरमेंट को सेव करने के नाम पर जो आप ये कटिंग कर रहे हो ना चार्जर की, ईयरफोन की, ये आपको नहीं करना चाहिए। चलो ईयरफोन तो सब करते हैं, लेकिन कम से कम एडेप्टर तो हमें मिलना चाहिए ना, तो ये हमें सीखना चाहिए Motorola से। ये स्मार्टफोन दोस्तों हल्का और पतला होने के साथ साथ एक बड़ी बैटरी को कंटेन करता है। तो ये दोस्तों यहां पर देखिए कुछ फीचर्स है जहां पर बिल्ड के अंदर इन्होंने काफी अच्छा काम कर दिया। डिस्प्ले एकदम टॉप टू नॉच है भाई, और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, ये भी अच्छी है। कैमरा ये भी काफी अच्छा है, बैटरी और चार्जिंग ये भी एकदम टॉप टू नॉच है। लेकिन दोस्तों देखना ये पड़ेगा कि इसकी प्राइस सेगमेंट कितनी आती है, जो कि मैंने आपको बार बार कहा है कि भाई आप मुझे बताइए कि ये सेगमेंट आप कितने रुपए के अंदर खरीदना पसंद करेंगे, आपके हिसाब से इसकी प्राइस सेगमेंट कितनी आनी चाहिए। 6GB 128 का जो वेरिएंट आएगा उसके हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा भाई मेरी तरफ से कि आपने सही बताया, गलत बताया, कितना सही बताया, कितनी दूर पहुंचे, नहीं पहुंचे, सारी जानकारी कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है भाई, वीडियो दोस्तों आपने यहां तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, जय हिंद।